हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है, सीखने वाला है, बहुत से आपके पॉइंट जो हैं वो इसके अंदर क्लियर होंगे। तो हम जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जब भी आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं ना, उसमें आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में ज़रा थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 था, मैंने उसमें बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया स्टडी के लिए। मेंडल ने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया ना स्टडी के लिए, मेंडल ने उसमें 7 ट्रेट स्टडी किए, मीन के प्लांट की हाइट, फ्लावर, फ्लावर पोजिशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड कलर, सीड शेप, ये 7 ट्रेट थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट के, फिर इनके आपस में क्रॉस करवाया। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में। ठीक है जी, देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेट को देख के क्रॉस करवाता हूँ, कैसे वाला, मेरे पास एक पी प्लांट ये है और एक ये है। ठीक है, मैं जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाता हूँ तो मैंने दोनों का एक ट्रेट जहन में रखना है जी, सीड की शेप, एक की राउंड शेप है और एक की रिंकल है। ठीक है, तो मैंने क्रॉस करवाना है और उनके रिजल्ट देखने हैं कि सीड की शेप कैसी है। ये जस्ट क्या है, एक ट्रेट। ठीक है जी, और अगर मैं कहूँ कि मैं दो ट्रेट की स्टडी करनी है, कि मीन के सीड की शेप के साथ सीड का कलर भी, कि ये जो मेरे पास प्लांट है इसकी सीड की शेप राउंड है और इसका कलर है येलो, इसके सीड की शेप रिंकल्ड और कलर है ग्रीन। ठीक है, अब देखिए मैंने कितने ट्रेट लिए हैं, 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखें, जब भी हम इस चीज़ की बात करते हैं ना, मैं 2 सीड लेता हूँ, एक लेता हूँ राउंड, और राउंड के साथ जो दूसरा सीड है वो है रिंकल्ड। ये है जी 2 सीड। ठीक है जी, अब ये जो राउंड है ना, इसके अंदर जो अलील की प्रेजेंस है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसके बारे में मैंने बताया था कि कैपिटल आर जो है इसकी वजह से राउंड शेप बनती है, और स्मॉल आर जो है उसकी वजह से जो है हमारे पास रिंकल्ड शेप बनता है। तो हमारे पास जो है ये 2 चीज़ें हैं, 2 सीड हैं, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है जी, अब इन दोनों को जो है हमने देखना है, इन दोनों का जो है वो क्रॉस करवाना है। लें जी, हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस कैसे, कि हम इन दोनों के ना, आपको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने बनाया था लेक्चर नंबर 3 में, कि हमारे पास जितने भी जो इनके बेबी आएंगे उनके अंदर जो कम्बिनेशन होगा वो है कैपिटल आर स्मॉल आर का। ठीक है जी, और तमाम सीड होंगे राउंड। अब मुझे ये बताएं ये तमाम सीड राउंड क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर एक अलील जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल आर है वो रिसेसिव है, उसकी वजह से जो है ये सारे के सारे जो हैं राउंड है। अब मैं आपको चीज़ बता दूं, इनको हमने बोलना है पेरेंट और इसको बोलना है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो फीलियल वन है, फीलियल का मतलब होता है फर्जंद और फर्जंद का मतलब है बच्चे। ठीक है, अब ये जो F1 है, इस F1 का आपस में जब क्रॉस करवाएंगे ना, तो आपको पता है कि ये 2 तरह के गैमेट बनाएगा, एक के अंदर कैपिटल आर आ जाएगा और एक के अंदर स्मॉल आर आ जाएगा। इसी तरह एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो स्मॉल आर है ना, इसको इस कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये कॉम्बिनेशन। अब इस स्मॉल आर के, इस स्मॉल आर के साथ हमने किया, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया जी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कितने राउंड हैं, 3 राउंड हैं, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, 3 जो हैं वो राउंड हैं, और रिंकल्ड कितने हैं, 1, तो इसको हम बोलते हैं 3:1। कौन सी रेशो है ये, ये है इसकी फीनोटाइप। स्टूडेंट, फीनोटाइप के बारे में मैं आपको बड़ा वाजे बता चुका हूँ कि फीनोटाइप क्या होती है। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज़ सुने कि मुझे ये बताएं कि जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें वो कितने सीड हैं जिसमें दोनों ही कैपिटल आर हैं, 1। ठीक है, 1 जो है इसमें दोनों ही कैपिटल आर हैं,
और टू जो है वो ऐसे हैं जिसमें एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये टू। और हमारे पास एक वो है जिसमें दोनों ही स्मॉल आर हैं। तो ये जो हमारे पास 1:2:1 है ना, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो दो चीज़ें हमारे पास देखने में आई हैं, एक है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप, ठीक है जी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएं, मीन के हाइट है ना, एक पौधा लॉन्ग ले एक शॉर्ट ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही फिनोटाइप रेशियो आएगी और यही जीनोटाइप रेशियो आएगी। इसी तरह आप किसी भी ट्रेट को स्टडी कर ले सिंगल मोनोहाइब्रिड को, तो हमारे पास रेशियो यहाँ पे आती है। अब मैं ना सीड की शेप के साथ सीड के कलर की बात करता हूँ, ठीक है जी। लें जी, मैं दो सीड ले लेता हूँ, एक का कलर है येलो और उसको मैंने कैपिटल वाई से शो कर लिया, और एक का कलर है ग्रीन, उसको मैंने स्मॉल वाई से शो कर लिया, ठीक है जी। कैपिटल वाई जो है इसको ज़रा मैं ब्लू से लिख देता हूँ, क्योंकि एक ग्रीन हो जाएगा और दूसरा जो है येलो को ब्लू से शो कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है हो गया जी, ये हमारे पास फिर हो गया जी ग्रीन, और ये क्या हो गया येलो। अब हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाते हैं। जब हम इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के बाद ना हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है जी पेरेंट और ये है जी एफ वन जनरेशन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखिएगा कि सारे के सारे जो एफ वन जनरेशन है वो क्या है, येलो, ठीक है जी। अब एफ वन जनरेशन का आपस में जब क्रॉस करवाऊंगा तो इसके गेमीट बनाएं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मल्टीप्लाई करें तो कितने येलो होंगे, 1, 2, 3, ठीक है। वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, जब इसको हम देखें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको जब हम देखें तो वही 3:1 आई है, किसकी, इसकी फिनोटाइप की। और एक में दोनों कैपिटल वाई हैं तो 1, और दो में हेटरोजाइगस है तो 2, एक में दोनों ही रिसेसिव हैं तो 1। ये जो 1:2:1 है इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप रेशो। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप रेशो। तो फिर हमारे पास जो है मोनोहाइब्रिड में ये रेशो आ गई है फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप, ठीक है। ये मैंने बताई जी मोनोहाइब्रिड की जी। अब हम स्टूडेंट चलते हैं डाईहाइब्रिड की तरफ। मुझे ये बताएं कि मोनोहाइब्रिड में कितने ट्रेट स्टडी होते हैं, सिंगल, और डाईहाइब्रिड में 2, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर डाईहाइब्रिड की बात करते हैं। लें जी, मेरे पास ये एक सीड है जो राउंड है और साथ येलो है, 2 ट्रेट हो गए। ये सीड है जो रिंकल्ड है और साथ ग्रीन है, ठीक है जी, डबल ट्रेट को स्टडी किया। जब मैं इन दोनों का आपस में क्रॉस कराऊंगा ना, जो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही कॉम्बिनेशन बनना है ना। क्योंकि देखें ना, इधर से आप बेशक इसके गैमीट बना के चेक कर लें, यही कॉम्बिनेशन उधर भी बनेगा, ठीक है। ये मैं गैमीट बनाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ये रेशो, इसका मतलब है कि हमारे पास पी वन ये है, और पी वन के साथ जो एफ वन जनरेशन है ना, ये वाली, ये एफ वन जनरेशन जो है, ये सारे के सारे राउंड होंगे और साथ येलो होंगे। एक तो ये राउंड है और एक येलो है, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है रिसेसिव के ऊपर, ये कैपिटल वाई येलो जो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। अब एफ वन का आपस में क्रॉस करवाना है, तो एफ वन का आपस में क्रॉस करवाने के लिए पहले आपको इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। अब आपको ये पता चल जाएगा कि डाई हाइब्रिड जो है उनके गैमेट कैसे बनाते हैं। ये देखिएगा कि मेरे पास ये कैपिटल आर है ना, इसको पहले कैपिटल वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास पहला गैमेट बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसी कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर ये जो स्मॉल आर है ना, इसको आपने कैपिटल वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इस स्मॉल आर को लास्ट पे इस स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई किया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल कितनी तरह के गैमेट बन गए, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर ना हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कितनी एलील हैं, 2। एक कहाँ से आती है, मदर से, और एक कहाँ से आती है, फादर से। लेकिन जो ही आपकी बॉडी में मियोसिस होती है ना, तो वो गैमीट सेग्रीगेट होती हैं, जिसको बेसिकली हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
शेप को कंट्रोल करने के लिए दो अलील थी, एक कैपिटल आर राउंड की और स्मॉल आर रिंकल्ड की। लेकिन आगे देखें, ये दो थी ना, किसी भी गैमीट के अंदर ये दोनों अलील इकट्ठी नहीं आई, सैग्रीगेट होके आई है। मतलब इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है, इसमें स्मॉल आर है। सेम वाई का केस भी यही है। इसका मतलब है कि हमारे पास सैग्रीगेशन की तो यहाँ पर समझ आ गई हमें, सैग्रीगेट होती हैं अलील। मैंने यहाँ पे भी ये बताया था कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, जब ये गैमीट बनाएंगे एक गैमीट में कैपिटल आर चला जाएगा, एक में स्मॉल आर चला जाएगा, तो ये सैग्रीगेट हो गई हैं। अब ये चार गैमीट बन गई है, मैंने एफ वन को आपस में क्रॉस करवाना, मैंने चार ये लिख ली हैं और चार ही जो है इस साइड पर लिखता हूँ जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ले जी, मेरे पास स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखें, इस कैपिटल आर कैपिटल आर वाई के साथ मल्टीप्लाई, ये कॉम्बिनेशन का, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद ना मेरे पास टोटल यहाँ पे कितनी तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बनेंगे टोटल हमारे पास जो हैं 16। देखें, एक दो तीन चार, चार 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 बाई चार मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। अब इस 16 में ना जो रेशो होगी वो होगी 9:3:3:1, ठीक है। अब आपके जहन में आएगा कि ये 9 इसमें से 9 राउंड येलो हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना मुझे एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे एक एक को ढूंढे कि राउंड कौन से हैं, येलो कौन से हैं, रिंकल्ड कौन से हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम सदरा होता है। तो इसको मैं आपकी आसानी के लिए ना मैं यहाँ पर ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ले लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि राउंड का मोनो हाइब्रिड क्या रेशो सी, 3:1। मतलब कि तीन जो थे वो थे राउंड और एक क्या था, रिंकल्ड, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय आगे 3:1, उसमें तीन जो है ना वो हैं येलो और एक क्या है, ग्रीन, ठीक है जी। ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये रिजल्ट है, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये रिजल्ट है। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, सुनना जरा, बड़ी गौर से सुनना है। इस तीन को पहले इस तीन से, 3/3 का 9 क्या होंगे, ये देखे ना, 3 और 3 9 हो गया। 9 क्या है, राउंड एंड येलो। इसमें से चेक कर लेना 9 जो है वो राउंड एंड येलो हैं। अब इस कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 3 हो गया। 3 क्या होंगे, राउंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई है ना, राउंड ग्रीन, इसमें से 3 राउंड ग्रीन है। अब अगले 1 की बारी आ गई, 1 को पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा रिंकल्ड येलो। 3 क्या है, रिंकल्ड येलो। अब इस 1 को नेक्स्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो 1 है वो क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। दोनों देख लें, इसको हम क्या बोलते हैं, रिंकल्ड ग्रीन। तो टोटल करें 9 और 3 कितना हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15 और 1 क्या हो गया, 16। ये जो हमारे पास जितना भी 16 कॉम्बिनेशन बना है ना, अब मुझे देखे बताना कितना आसान हो गया। 9 जो है राउंड येलो, 3 है रिंकल्ड ग्रीन, 3 है येलो ग्रीन और 1 है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये देख लें हमारे पास 1 ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, सबसे एक जो है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये ऐसा सीड है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, या ऐसा सीड है जिसकी शेप है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डाई हाइब्रिड का रिजल्ट है। अब यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक चीज़ बड़ी मज़े की डिस्कस करनी है, ज़रा गौर से सुनना है स्टूडेंट। ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं आपको कहूँगा कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करो, ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड के लिए आपको अच्छी खासी जगह चाहिए और उस जगह के अंदर आप उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी, जो प्रॉबिबिलिटी है, प्रॉबिबिलिटी होता है चांस, हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल 64 तरह के सीड बनने के चांस हैं, सॉरी 64 डिफरेंट टाइप के सीड बनते हैं जो जिनकी फिनोटाइप और जीनोटाइप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो उस काम को आसान करने के लिए ना मैं एक और मेथड आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो कि एफएससी में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फॉक लाइन मैथड। ये जो फॉक लाइन मैथड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, इससे आप किसी भी चीज़ की आराम से फिनोटाइप और उसकी जीनोटाइप को फाइंड कर सकते हैं। लें जी, मुझे ये बताएं कि ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में राउंड है और रिंकल्ड है, इसका ज़रा आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये बना दिया, बनाने के बाद लें जी
बताएं जी कितने इसमें से राउंड थे? 3/4 राउंड हैं, 4 में से 3 राउंड हैं, और रिंकल कितने हैं? 1/4, मतलब कि 4 में से 1 जो है वो है रिंकल्ड। समझ आ गई है? ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपने इसी फोक का मतलब होता है, आपने फिजिक्स में ट्यूनिंग फोक पढ़ा हुआ है, जिसकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, आगे 2 में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। ठीक है, इसी तरह ये देखिए, ये पीछे से आगे 2 में डिवाइड हो गया। अब इसको फर्दर आपने जो है वो 2 में डिवाइड कर लेना है, इसको फर्दर, इसीलिए इसको हम फोक लाइन मेथड कहते हैं, क्योंकि हर लाइन को आपने आगे 2 पार्ट में ट्यूनिंग फोक की तरह डिवाइड करना है। ले जी, मैंने इसको आगे 2 में डिवाइड कर दिया। करने के बाद ना, अब अगला जो मुझे ये बताएं कि मैंने अगला जो क्रॉस क्या देखा था, येलो और ग्रीन का, मुझे ये बताएं जी कितने येलो आए थे? 4 में से 3, 3/4 जो थे वो येलो थे, और ग्रीन कितने थे? 1/4 जो थे वो थे ग्रीन। शाबाश। इसी तरह 3/4 जो हैं वो हैं येलो, और 1/4 जो हैं वो है ग्रीन। ले जी, हमने दूसरा ट्रेट भी स्टडी कर लिया, लेकिन मैंने आपको ये बताया था फोक लाइन मेथड जो है हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए नहीं यूज़ करते, ट्राई टैट्रा पेंटा के लिए यूज़ करते हैं। अब मुझे ये बताएं मैं इसका तीसरा ट्रेट क्या लूँ, क्योंकि मैंडल ने 7 ट्रेट की स्टडी की, 2 मैंने ले लिए, सीड शेप भी ले ली, सीड कलर भी ले ली, तीसरा मैं ले लेता हूँ जी इसकी हाइट। ठीक है, एक प्लांट है जिसकी हाइट ज़्यादा है वो डोमिनेंट है, और दूसरा है जिसकी हाइट कम है वो रिसेसिव है। ठीक है जी, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ना, मैं इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ले जी, मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि आप तमाम बच्चों को समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो। ले जी स्टूडेंट, हाइट इसका मतलब है कि जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है, तो 3/4 जो है वो लॉन्ग होगा, ऐसे ही है ना, तो 1/4 जो है वो शॉर्ट होगा, मैं इसको ऐसे शो कर लेता हूँ। इसी तरह 3/4 जो है वो लॉन्ग होगा, और 1/4 जो है वो शॉर्ट होगा, 3/4 जो है वो लॉन्ग होगा, 1/4 जो है वो शॉर्ट होगा। मेरी बात को सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? देखिए ना, हर एक को वही रेशो आपने बतानी है, समझ आ रही है ना, वही रेशो आपने बतानी है जो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आ रही है। 3/4 जो है ये लॉन्ग, और 1/4 जो है ये शॉर्ट। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है। शाबाश, मैंने ये बताया था कि जब आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो टोटल कितने सीड बनेंगे? 64, जिसकी पॉसिबिलिटी है, ये प्रोडक्ट रूल है जिसके जरिए हम ये पॉसिबिलिटी जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेक लेते हैं जी। अब सुने, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 9, और 9 को 3 से किया 27, क्या बन गया? 27। तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि हमारे पास अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया जाए तो उसमें से 27 जो हैं वो राउंड, येलो और लॉन्ग होंगे। देखें ना, मैंने इस तरह का कोई चार्ट बनाया ना, मैंने गैमेट बनाए, जस्ट फोक लाइन मेथड के जरिए मल्टीप्लाई किया, मुझे पता चल गया राउंड, येलो और लॉन्ग कितने हैं, 27। उसके बाद जी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3/3 9, 9/1 9 हो गया, 9 कितने हैं? राउंड, येलो और शॉर्ट, शॉर्ट मीन ड्वार्फ, 9 है। इसी तरह अगर आगे आप देखें, इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/1 3, और इस 3 को इसके साथ 9 9, आपके पास राउंड, ग्रीन, लॉन्ग। समझ आ रही है? इस तरह आप सब की पॉसिबिलिटी, बल अब मैं आपको सबसे लास्ट वाली की निकाल के दिखाता हूं। इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इस 1 को इस 1 के साथ, तो 1 आता है, 1 जो है ना 64 में से रिंकल्ड ग्रीन शॉट था। रिंकल्ड ग्रीन शॉट कितने हैं? 1, 64 में से। अब मुझे आप ये पूछिए जी 64 कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये जो नीचे 4 है इसको मल्टीप्लाई करना है, 4/4/4, 4/4 कितना था? 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, और जब हमारे पास 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इसी तरह देख रहे हैं ये नीचे वाले 4 जो हैं सबको, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास बटा जो है इसके नीचे जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे 4 हैं, 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 64। इसी तरह हमारे पास अगर आपने टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस करना है तो इनके आगे फर्दर 2 फोक निकाले और उनको वही मोनो हाइब्रिड की रेशियो निकालते जाएं, और हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा। तो देखिए कितने आराम से हमने जो है ये सारा डाटा निकाला। अच्छा जी, अब ना आपके जहन में क्वेश्चन आया है कि सर आपने वो मोनो हाइब्रिड भी बता दिया,
डाई भी बता दिया, ट्राई भी बता दिया, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां पे रह गया? जी बताता हूं। देखिए स्टूडेंट मुझे ये बताएं, मेरे पास यहां पे ये कौन सा क्रॉस था? ये डाई हाइब्रिड था। डाई हाइब्रिड में कितने ट्रेट हैं? दो, राउंड और येलो, और इनके अंदर दूसरी एलील भी मौजूद है, रिंकल ग्रीन। मुझे ये बताएं इन्होंने पॉसिबल कितनी गैमेट बनाई है? चार, चार से ज्यादा पॉसिबल गैमेट यहां पे दो ट्रेट को लेके नहीं बन सकती। मुझे ये बताएं कि जो कैपिटल आर है, क्या आपने रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो जस्ट कैपिटल वाई के साथ गैमेट बनाए या स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है? बना सकता है। और इसी तरह स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी। इसी तरह अगर आप ट्राई हाइब्रिड देख लें तो उसमें पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। हर अलील को इजाजत है कि वो किसी भी अलील के साथ जाके जोड़ा बनाए, तो ये जो आजादाना जोड़ा बनाते हैं इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मैंने बताया था कि जब आजादाना सेग्रीगेट होते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जब ये जोड़े बनते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक चीज और याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाने के लिए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प लेनी पड़ती है, और आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाने के लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। जब भी हम इस तरह चीजों के रिजल्ट निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई करके चीजों को आगे जो है देखना। ठीक है, इसको जो है अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल का फायदा बता दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक मेल और एक फीमेल है, मेल इसको मेल कह लेते हैं, इसको फीमेल। मेल जो है वो उसका कलर जो है वो वाइट है और वो हाइटेड है, फीमेल का कलर ब्लैक है और वो शॉर्ट छोटी है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इनके आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम उनकी अगर हम डायरेक्ट तो क्रॉस नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कि हमारा जो सोसाइटी है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा, तो फिर हम इसी तरह उसके पॉसिबल गैमेट्स बनाएंगे और उनके प्रोडक्ट रूल के जरिए जो है उनके रिजल्ट निकाल लेंगे, और हम जो है थ्योरेटिकल डाटा निकाल के बता सकते हैं जी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी सुने जी, शाबाश। इसका मतलब फिर ये हो गया कि आपके पास मेंडल के जो है दोनों लॉज जो हैं आपने आज सीख लिए। सीखने के बाद ना स्टूडेंट आपको पता है कि मेंडल ने ये जो काम है ना ये 1865 में सोसाइटी थी ब्रन सोसाइटी, जर्मन के अंदर उसमें ये अपना वर्क उसने सबमिट करवाया। करवाने के बाद आफ्टर वन ईयर 1866 में मेंडल का वो वर्क जो है वो पब्लिश हुआ। ठीक है जी, 1866 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी काबिले गौर है, 1884 में ना मेंडल की डेथ हो गई। ठीक है, उसकी डेथ के आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर डेथ के 16 ईयर और उसके वर्क के 34 ईयर्स। ठीक है, तो 34 ईयर, क्योंकि जब मेंडल ने ये वर्क किया ना तो बहुत से लोगों ने उसके काम को निगलेक्ट किया, और आपको पता है कि मेंडल बेसिकली एक प्रायस था, एक पादरी था। यही बात है कि हमारा एक अलामा मौलवी जो है अगर खड़ा होकर कहे जी मैं साइंस में एक बुक लिख दी है तो हमारे जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं इस चीज़ को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेंडल के उस वक्त काम को निगलेक्ट किया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मेंडल ने ये वर्क ठीक नहीं किया। लेकिन आफ्टर 34 ईयर्स वर्क के बाद और आफ्टर 16 ईयर उसकी डेथ के बाद हमारे पास 1901 में तीन साइंटिस्ट थे। एक का नेम था डी वेरेस के बाद कार्ल कोरेंस, और उसके बाद है स्कर्मिच। ये जो साइंटिस्ट है ना इसने दोबारा वही मेंडल के काम को रीडिस्कवर्ड किया, चेक किया, देखने के बाद वही रिजल्ट आए जो मेंडल के थे, लेकिन थोड़ी सी चेंज आई, वो भी मैं बताता हूँ वो चेंज क्या हो सकती है। मेंडल के जब रिजल्ट आए उसने कहा यार कमाल चीज़ है वो, तो उस वक्त उसके पास इतना मतलब कि नॉलेज ना होने के बावजूद उसने ऐसे वर्क किया, और बेसिकली वो प्रायस था, तो उन्होंने मेंडल के काम को बड़ा एक्नॉलेज किया और लोगों को कहा कि ये काम तो मेंडल ने ऑलरेडी ही जो है ये लास्ट तो दिए हुए हैं। कि मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि मेंडल ने ये काम 11 ईयर्स किया और उसके 36,000 प्लांट के सैंपल्स लिए, उनको क्रॉस करवा के रिजल्ट आए थे उसके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज़ और
बाद में कुछ लोगों ने जो है वो मैंडल के वर्क को किसी हद तक जो है वो निगलेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैंडल ने कहा था हर अलील सेग्रीगेट होती है, उसको आज़ादाना ज़रूरत है वो जुड़ा बना सकती है। लेकिन स्टूडेंट एक बाद में टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज, जीन लिंकेज। ठीक है जी, अब ये जीन लिंकेज क्या है मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह मेरे पास सिकल सेल अनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म, तीन जीन तीन अलील, और हमारे पास इसी तरह गाउट की है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है एंड गाउट है, तीन ये डिजीज। ये जो तीनों ही जीन है ना, ये किसी भी क्रोमोसोम पे ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, जुड़ी होती हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाऊँ ना, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में ये अगर अलील होंगी, ये ऐसे एक है, अगली दो, तीनों इकट्ठी हैं, तीनों ही लिंक्ड हैं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर के जरिए दूसरे क्रोमोसोम पे जाएंगी तो सारी की सारी इकट्ठी जाएंगी, अगर वहाँ पे स्टे करेंगी तो सारी की सारी इकट्ठी करेंगी। इसका मतलब है मेंडल का यहाँ पे ये लॉ जो है वो गलत साबित होता है, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि मेंडल को क्रोमोसोम और जीन के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसने तो इसको जस्ट फैक्टर कहा था। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्रॉसिंग जीन लिंकेज में ज़रा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि जीन लिंकेज क्या है। आगे जाके मैं और बताता हूँ कि कुछ ऐसे हमारे पास रिजल्ट आए जो मेंडल के वर्क को फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से मेंडल के लॉज को थोड़ा सा जो है वो खतरे में डाला जाता है। लेकिन ये है कि मेंडल ने अपना वर्क बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मेंडल ने जो ट्रेट लिए थे ना, उसमें कोई भी ट्रेट जीन लिंकेज नहीं था, सारे इंडिपेंडेंट थे, इसलिए उनके रिजल्ट मेंडल के मुताबिक बिल्कुल ठीक आए। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो पी प्लांट है इसमें टोटल 14 क्रोमोसोम हैं सेल के अंदर। अब 14 क्रोमोसोम में 7 पेयर हैं, ठीक है जी, 14 क्रोमोसोम के अंदर टोटल इनके अंदर 7 पेयर्स हैं। ये जो 7 पेयर्स हैं ना, 7 पेयर में इसने लिए थे 7 ट्रेट। अब वो जो 7 ट्रेट है ना, वो क्रोमोसोम जस्ट 4 पे थे, ठीक है जी, जो क्रोमोसोम 4 थे ना उनमें वो 7 ट्रेट थे। और मजे की बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है ना, इसके ऊपर 2 ट्रेट थे जो मेंडल ने लिए, एक का जीन यहाँ पे है और एक का जीन यहाँ पे है, ये आपस में लिंक्ड ही नहीं है, बहुत दूर दूर है, इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सेग्रीगेट भी ज़्यादा ना होते हैं और ये आपस में वो जो है जोड़े भी ज़्यादा ना बनाते हैं। तो ये था मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जिसकी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूँ, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, देखें कि एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास ना दो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एक एल्बिनो या एल्बिनोज एक डिजीज़ है, एल्बिनिज्म भी उसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी में पिगमेंट नहीं होता मेलानिन, उनके बाल सफ़ेद हैं, स्किन के अंदर मेलानिन है ही नहीं, वो बिल्कुल वाइट नज़र आते हैं। ये हमारे कॉलेज के, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ जी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जो शकरगढ़ प्रिंसिपल हैं वो सैयद ज़ादे जो हैं, वो बेसिकली एल्बिनो डिजीज़ है उनको, उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं है, वो बिल्कुल वाइट हैं, ठीक है जी। और एक नॉर्मल जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है मेलानिन है, उसके हेयर ब्लैक है, उसके बॉडी का मतलब कलर है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो पेरेंट हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ, एल्बिनो जो है ये एक रिसेसिव डिजीज़ है। क्या है? रिसेसिव। दो पेरेंट हैं, उनका जब आपस में शादी होती है उनके बच्चा जो है वो एल्बिनो पैदा होता है। बताएं जी नेक्स्ट बच्चों में क्या चांस है एल्बिनो का? तो मैं आपको ये बता दूँ के दो पेरेंट हैं जी, एक मेरे पास है जी एल्बिनो को, ए से शो कर लेते हैं इस जीन को, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है जी, ये दो नॉर्मल हैं क्योंकि इनमें एल्बिनो नहीं है, क्योंकि कैपिटल ए जो है ये मेलानिन को बनाएगा और वो डोमिनेंट हो जाएगा उसके ऊपर रिसेसिव के ऊपर, क्योंकि जो एल्बिनो डिजीज है वो तो एक रिसेसिव ट्रेट है। लें जी मैं इसका बना लेता हूँ जी गैमेट, जब मैं स्टूडेंट इसके बनाता हूँ ना गैमेट, तो 4 में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया जी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अच्छा जी
कैपिटल ए को कैपिटल ए के साथ मल्टीप्लाई किया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। मुझे ये बताएं ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये एल्बिनो है क्योंकि इसमें दोनों ही केस जो हैं स्मॉल ए स्मॉल ए हैं। तो मुझे ये बताएं चार में से कितने बेबी एल्बिनो होंगे, एक, और तीन क्या होंगे नॉर्मल। अगर पूछा जाए कि कितनी परसेंटेज होगी तो चार हैं 25% चांस है कि बच्चा एल्बिनो हो, क्योंकि 25 को चार के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। जब भी आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज करते हैं तो वो किससे निकालते हैं, 100 में से। तो हमारे पास ये चांस है कि 25% चांस है कि एल्बिनो है, 75% चांस है कि उसके बाकी नॉर्मल हैं, 50% चांस है कि हेटरोजाइगस है, 25% चांस है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास आज का एक टॉपिक था स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के बाद अब बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।